हेलो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में संज्ञा किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो चलो हम आज संज्ञा देखेंगे। अपनी किताब निकालो और पन्ना नंबर 5 देखो। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाती हूँ, आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। देखिए, संज्ञा, किसान बकरी को जंगल में चारा चरने के लिए छोड़ देता था। वाक्य में रंगीन किए गए शब्द व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु का नाम बताते हैं, अतः इन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, यहाँ किसान बकरी को जंगल में चारा चरने के लिए छोड़ देता था, ये है वाक्य। उसमें से किसान बकरी, जंगल, चारा, ये जो चार शब्द है वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहे हैं, रंगीन दिख रहे हैं? बिल्कुल सही, ये रंगीन दिख रहे हैं। और ये जो रंगीन दिखने वाले शब्द हैं ये क्या करते हैं, तो व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु का नाम बताते हैं। कैसे, देखिए, किसान, किसान क्या है, व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति। बकरी क्या है, जानवर है। जंगल क्या है, ये स्थान है। चारा क्या है, ये वस्तु है। यानी किसान बकरी जंगल चारा, ये व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु का नाम बताते हैं, इन्हें तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु का नाम बताते हैं उसे ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम, इनके गुण, धर्म या स्वभाव जिससे हमें पता चलते हैं वो शब्द यानी संज्ञा होते हैं। देखिए, आपको उदाहरण से और भी समझ में आएगा। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि। देखिए, हाँ, श्याम ये क्या है, व्यक्ति है, किसी लड़के का नाम है श्याम, ये क्या है, व्यक्ति है। आम ये क्या है, नाम है, फल का नाम। मिठास ये क्या है, मिठास यानी ये गुण है। मिठास क्या होती है, आपको पता चलती है मिठास है या कड़वा है या कैसा है, ये हमें समझ में आता है, यानि मिठास का ये गुण है। हाथी, हाथी तो आपको पता ही है, ये भी क्या है, जानवर का नाम है। ऐसे अनेक शब्द संज्ञा होते हैं। और देखिए आगे, इस संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये है पहला भेद। दूसरा भेद कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, कुतुब मीनार आदि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेर, सेब, पेड़, माँ, बेटा आदि क्या है, जातिवाचक संज्ञा। शेर क्या है, जानवर है। सेब क्या है, तो ये फल है। देखिए, यहाँ जाति है,
अब आया समझ में? और देखिए ये है भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, क्रोध, बुराई आदि, ये क्या है? भाव है। क्रोध, बुराई, क्रोध हमें आता है जब हमें कोई रूठता है, गुस्सा होता है, तब हमें क्रोध आता है, तब हम क्रोधित हो जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। जब हमारी बुराई करते हैं तब हमें बुरा लगता है। ये है भाववाचक संज्ञा। देखिए हमने आज क्या देखा? संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे। संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आया समझ में? तो चलो आप भी ये पढ़िए और ध्यान में रखकर कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक है और कौन सी भाववाचक है, ये पहचानिए। धन्यवाद।